Good morning, my dear students. Today in this video, I am going to tell you how to write a notice. आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि नोटिस कैसे लिखना है. तो another format of the notice I am going to tell you in this video. You would know how to write an effective notice using selected words, limited words. Just come on the point. We are going to discuss notice. First of all, you must see this question. Your club is going to organize an inter-class singing competition. Write a notice in about 50 words inviting names of the students who want to participate in it. आपका क्लब एक इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है. नोटिस लिखिए 50 वर्ड्स में, इनवाइटिंग नेम्स ऑफ द स्टूडेंट हू वांट पार्टिसिपेट इन इट. जो स्टूडेंट इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने नाम दें. तो फॉर इनवाइटिंग नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स यू आर सपोज टू पुट दिस नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड. ये ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, जो भी और डिटेल्स हैं वो सभी नोटिस में लिखिएगा. यू आर नवतेज नविता, सेक्रेटरी म्यूजिक क्लब, आकाश पब्लिक स्कूल, आगरा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, या द नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन द बॉक्स. नोटिस इन ब्लॉक और कैपिटल लेटर्स. ओके, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑल्सो शुड बी इन कैपिटल लेटर्स, बट देर इज गिवेन इन रनिंग हैंड्स. और इसको भी होना चाहिए था नोटिस, आकाश पब्लिक स्कूल आगरा, कैपिटल में आप इसको रखिएगा जहाँ तक हो जाए. ओके, समटाइम्स यू वुड हैव सीन दैट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज देयर वेरी टॉप ऑफ द नोटिस. पहले यहाँ पे नाम होगा आकाश पब्लिक स्कूल आगरा, देन नोटिस बिलो इट, उसके बाद नोटिस आपका आएगा. देन डेट 21 जनवरी 2000. यू कैन पुट द कंप्लीट डेट, पूरी डेट आप लिख सकते हैं जिस दिन आप एग्जाम इन द एग्जामिनेशन हॉल, व्हेन यू आर देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यू कैन पुट द सेम डेट ऑफ दैट डे, उसी दिन की डेट आप यहाँ पर लिख सकते हैं. बट जो फॉर्मेट होगा वो इस तरह से होगा. देयर इज नो नीड ऑफ गिविंग पॉइंट्स और स्लैशेस लाइक दिस. 21st या 21 या एसटीवी लिख सकता है, जनवरी 2020. नाउ सब्जेक्ट, इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन. इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन, ओके, क्या होता है? इस नोटिस को अगर हम बीच में रखते हैं तो ये नोटिस जो है और नाम जो स्कूल का होगा, जो सब्जेक्ट होगा, उसके जस्ट बीच में आएगा. ठीक है, दिस द प्रॉपर वे ऑफ पुटिंग नोटिस एंड द सब्जेक्ट लाइक दिस. इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन, ओके, ये जो हेडिंग आपकी है, सब्जेक्ट है, वो इस तरह से होना चाहिए कि बाय रीडिंग इट यू कुड अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट द मैटर इज गोइंग टू बी रिटन बाय यू. केवल इसी से पता लग जाए किस बारे में लेटर आपको नोटिस लिखना है. द म्यूजिक क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9th to 12th. या इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 9th to 12th दैट द म्यूजिक क्लब ऑफ अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन. ओके, तो किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं. आई हैव टोल्ड सेवरल टाइम्स इन माई previous videos related to notice that you can start your notice by using five ways.
पांच तरीके मैंने आपको बताए थे. इट इज़ इन्फॉर्म्ड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अवर स्कूल आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड. इट इज़ नोटिस्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक है, देयर इज एन इन्फॉर्मेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स. ओके, कैसे भी आप उसको लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. ओके, तो द म्यूजिक क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12. फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द कॉम्पिटिशन. ये डिटेल्स दी है, डेट 25 January 2020, या जो भी डेट आप ऊपर जो डेट आपने डाली है उससे बाद की डेट आप डालेंगे, क्योंकि आप जब नोटिस लिखते हैं तो कोई चीज़ होने वाली होती है, सपोज टू बी हेल्ड. ओके, तो उसके आगे की डेट आप इसमें डालेंगे, क्योंकि जो चीज़ होने वाली है उसकी आप जानकारी देते हैं नोटिस में. डेट, टाइम एंड वेन्यू, किस तारीख में होना है वो कॉम्पिटिशन, किस समय पर होना है और किस जगह पर होना. वेन्यू मीन्स कार्यस्थल, जगह. तो उन्होंने दिया डेट दिए, टाइम दिया 10 AM ऑनवर्ड्स 10 बजे सुबह, वेन्यू दिया स्कूल ऑडिटोरियम, यहाँ पर होना है. समझ गए ना? तो दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पुट देयर इन द फॉर्म ऑफ डेट, टाइम, वेन्यू. कब, कहाँ, ये आपको यहाँ पर लिखना है. जो आप ये चीज़ें पहले नोटिस में ही लिख देते थे, इसी में जो मैंने पहले आपको फॉर्मेट बताया था उससे ये अलग फॉर्मेट है. ठीक है, दिस इज़ न्यू फॉर्मेट एक्चुअली, और अच्छा भी लगता है देखने में. डेट, टाइम, वेन्यू. ओके, देखिए नाउ क्लोजिंग लाइन, लास्ट लाइन. इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाई 23 January 2020, या जो भी है. ये भी लाइन लिखते हैं जो मैंने पहले भी आपको बताया है. ठीक है, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट टू द अंडरसाइंड, ये भी मैंने लिखाया था. फॉर मोर डिटेल्स यू शुड कॉन्टेक्ट टू द अंडरसाइंड, ये लिखा. अंडरसाइंड मीन्स द पर्सन हु इज राइटिंग द नोटिस, वो व्यक्ति जो नोटिस लिख रहा है, अंडरसाइंड, जिसने नीचे जो है साइन किया है, नीचे नाम लिखा हुआ, उससे कॉन्टेक्ट करें आप. तो देयर आर मैनी थिंग्स टू बी डिस्कस्ड और आस्क्ड बाई द स्टूडेंट्स, देन दिस लाइन इज रिटन, कि आप जाके इसके अलावा भी अगर कोई आपको जानकारी लेनी है, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल द इंफॉर्मेशन यू वांट टू गेट या कलेक्ट अदर इंफॉर्मेशंस, देन यू शुड कॉन्टेक्ट टू द अंडरसाइंड. आपको इनसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, नविता सेक्रेटरी म्यूजिक क्लब. ओके, मैंने ये भी आपको बताया था, देखिए, नवतेज नविता. If you are a boy, then you are supposed to write Navtej as your name. And Navita if you are a girl. अगर लड़की हैं तो आपको अपना नाम नविता लिखना है यहाँ पर, और आप अगर बॉय हैं तो आपको यहाँ पर नवतेज लिखना है. एंड आफ्टर दैट डेजिग्नेशन, कौन है आप, सेक्रेटरी म्यूजिक क्लब. ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा इसमें. You could see that in few words you have prepared this notice, because there is word limit. The word should not be exceeded from 50. 50 से ज़्यादा आपको जो है words नहीं इसमें लिखना है. In 50 words. यू आर सपोज टू राइट, 50 वर्ड्स दिया है नोटिस ने, अबाउट 50 वर्ड्स. तो जनरली नोटिस इज रिटन इन 50 वर्ड्स इन क्लास 12th. 50 वर्ड्स में ही आपको उसको कंप्लीट करना होता है. तो ये आपका एक बहुत सोफिस्टिकेटेड, एक बहुत बढ़िया नोटिस तैयार हो जाता है आपके लिए. ओके, अगर आपको ये थोड़ा सा अजीब लगे, एक्चुअली दिस इज गिवेन, दिस इज योर क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज. तो योर क्लब का आप कह दिया, म्यूजिक क्लब ऑफ अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटरनेट कॉम्पिटिशन. ठीक है, फॉर किसके लिए, या स्टूडेंट्स अगर दिए होंगे उन्होंने तो आप लिख सकते हैं, कौन से, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12, या जो भी है वो आप लिख सकते हैं इसमें. अभी आपने कुछ नहीं, केवल स्टूडेंट्स जोड़ा है यहाँ पर, उसके बाद सीधी डिटेल्स आपने रख दी, और एक लाइन ये रख दी. आप समझिए, केवल एक ये लाइन आपको अलग से रखनी पड़ी.
और जो भी चीज़ें वो सब नोटिस में दिए हुए हैं। तो राइटिंग नोटिस विद ट्रिक मेक यू अंडरस्टैंड, यू नो, मेक यू, यू नो, इजी, बहुत इजी आपके लिए रहेगा। कुछ नहीं इसमें, उन्हीं से, इन्हीं नोटिस की सभी इन्फॉर्मेशन जो इसमें दी उसी से आपने पूरा नोटिस तैयार कर दिया, समझ गए ना? क्या देखिए, नोटिस आपको लिखना है, स्कूल का नाम दिया था, डेट आपको पता ही होनी चाहिए, ये सब्जेक्ट दिया ही है इसमें, इंटर हाउस या इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन देखिए ये दिया गया है, और द म्यूजिक क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग, क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन पूरा दिया हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं आप, ठीक है। और डेट, टाइम, वेन्यू आप रख दीजिए यहाँ पर, किस डेट में होना, किस समय पर स्टार्ट होगा, कौन सी जगह होने वाला, बस उसके बाद आफ्टर दैट यू आर सपोज टू पुट दिस लाइन, नेम इज गिवेन, डेजिग्नेशन इज गिवेन, तो सभी चीज़ें आपको पहले से ही दे रखी क्वेश्चन में, तो विद द हेल्प ऑफ योर क्वेश्चन यू कैन राइट नोटिस इन एन इफेक्टिव वे, आप लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, ओके? I am making it visible so that you could clearly see it. Okay. Now I am going to give you home assignment or work to be done at home by your own efforts. You are स्मिता सुनील, ओके, बो द नेम आर गिवेन, सेक्रेटरी AVM हाउसिंग सोसाइटी, यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप, राइट ए नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, अर्जिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कम लार्ज नंबर टू दिस नोवेल कोर्स, ओके। अब देख लीजिए इसको, ये आपको नोटिस लिखना है अपने आप, ये आपको होम असाइनमेंट है, जस्ट राइट दिस नोटिस, कंप्लीट दिस नोटिस, सेंड मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर सो दैट आई कुड चेक इट, ये आपको होम असाइनमेंट आज के लिए, ठीक है। एक ये ले लीजिए, मुझे सम स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड मी सर यू प्लीज सेंड सम अनसॉल्व नोटिसेस, तो आप उसको कर लीजिएगा, एंड यू नो एक ये देख लीजिए आप, ये भी बता दूँ आपको, यू आर अनू पार्या कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल एज पार्ट ऑफ नेशनल हेरिटेज प्रोग्राम, द स्कूल हैज डिसाइडेड टू पुट अप अ शो ऑन एंशियंट आर्ट फॉर्म्स, राइट अ नोटिस टू बी पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू वॉच द शो एंड एनकरेज द आर्टिस्ट्स, राइट द नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, आप ये नोटिस भी आपको लिखना पड़ेगा, देख लीजिए इसको, ओके। ये भी आप लिखिए, ये भी आपका होम असाइनमेंट, ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी आप कंप्लीट करिए, ठीक है, दोनों नोट्स आप करके भेजिए। ए वन मोर, ये भी आप स्टूडेंट्स आस्क्ड मी टू सेंड थ्री नोटिस टू बी रिटन बाय देम, यू हैव लॉस्ट योर लेदर वॉयलेट कंटेनिंग योर एग्जामिनेशन एंट्री टिकट फॉर क्लास 12th व्हाइल ट्रेवलिंग बाय बस फ्रॉम वाशन कारी टू MG रोड इन बेंगलुरु, राइट ए नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन डेक्कन हेराल्ड, दिस द नेम ऑफ द न्यूज पेपर डेक्कन हेराल्ड, यू आर प्रणब अब्दुल परवीन 12
गांधी रोड बेंगलुरु। ओके, इसको देखिए, ये भी नोटिस आपको भेजना है लिखकर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं इसको चेक करता हूँ। इट इज़ योर होम असाइनमेंट। ओके, क्लास 9th, 10th, 11th, 12th। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ योर होमवर्क, जस्ट कम्प्लीटेड। आफ्टर कम्प्लीटिंग इट, सेंड इट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, आई वुड चेक इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट। इस वर्क को कंप्लीट करके होमवर्क आप भेज दीजिए पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं इसको चेक कर दूँ। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। इसे बंद करो बेटा, कैसे होगा, एक मिनट में देखता हूँ। हैंग हो गया क्या?